तो इस पे ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली एनाबोन जेल है। वैसे अभी ये स्पोर्ट्स बाइक का गियर बन गया है। इसकी जो क्रैंक है वो लिटरली सीज, इसको बोलते हैं सीज होना। ऑलराइट, आज अपने पास है प्लेटिना 100 इलेक्ट्रिक स्टार्ट का इंजन। एंड अगर आपने बाकी के दो पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं देन आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन चेक दैट आउट। अभी इस वाली वीडियो में हम ये जो इंजन है इसको पूरा डिसमेंटल करने वाले हैं। एंड वैसे तो इंजन डिसमेंटलिंग डिटेल में मैंने काफ़ी वीडियोज़ में कवर कर रखी है, इस वीडियो में हम इस इंजन को डिसमेंटल करेंगे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड टाइप में। एंड जहाँ जहाँ पर पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज लूँगा एंड आप लोगों को बता दूंगा इंजन में कुछ अगर कंडीशन वाइज कुछ ज़्यादा ही ख़राब दिखेगा तो वो, या फिर अगर कुछ यू नो एनालिटिक्स टाइप कोई चीज़ देखने को मिलती है कि हाँ इसकी वजह से ये इंजन सीज हुआ है ऐसा कुछ। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, डिसमेंटलिंग में ऊपर से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल गो ऑल द वे डाउन। सबसे पहले हेड कवर, फिर सिलेंडर हेड, टाइमिंग वगैरह वो सारी चीज़ें, उसके बाद में सिलेंडर एंड देन एल एच कवर, देन आर एच कवर एंड देन लास्ट में जो क्रैंक केस है उसको रिमूव करेंगे। एंड कुछ केसेस में पहले आर एच कवर खोलना पड़ जाता है, बाद में एल एच कवर खोलना पड़ता है, तो वो हम जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे फिगर आउट होता जाएगा। तो अभी ऊपर से शुरू करते हैं एंड जल्दी जल्दी इसको डिसमेंटल करते हैं एंड जहाँ जहाँ पर पॉइंट आउट करने वाली चीज़ें होंगी वहाँ पर आप लोगों को डिटेल में जो यू नो डिस्क्रिप्शन है वो मिल जाएगा। एंड हेड कवर ओपन करते से ही पहली चीज़ जो अपन नोटिस कर सकते हैं वो ये है, ये सारा कार्बन है बेसिकली। एंड या तो ये इंजन 44,000 नहीं चला है, और अगर ये वाकई में 44,000 ही चला है देन इसमें इंजन ऑयल बहुत लंबे इंटरवल पर चेंज करा गया है। मतलब जैसे 2,000 पर चेंज करना होता है तो इसमें 4,000 5,000 पर चेंज करा गया। अदरवाइज़ इतना कार्बन डिपॉजिट 2.5 साल पुरानी बाइक में, 2.5 साल पुराने इंजन में, और वो भी 40-50 हज़ार की रनिंग पे नहीं होना चाहिए। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इंजन आगे कैसा निकलने वाला है अगर सिर्फ एक पार्ट रिमूव करते ही ऐसी कंडीशन दिख रही है तो। दिस इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर फॉर मी, बट क्या ही कर सकते हैं, करना पड़ेगा। अभी ये जो स्पार्क प्लग की स्लीव है इसी को देख सकते हैं अपन। तो इस पे ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली एनाबोन जेल है जो कि एज ए गैस्केट मेकर अप्लाई करा गया है बहुत ही ज़्यादा। एंड इस साइड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये जो उभरे हुए सेक्शंस दिख रहे हैं ये बेसिकली वेल्डिंग के कुछ स्पॉट्स रह गए हैं। मतलब ये जो स्लीव है ये सिलेंडर हेड में से पहले निकली नहीं होगी, जिसको निकालने के लिए वेल्डिंग रोड है उसको किसी मेटल के पार्ट से अटैच करके इसको यू नो हैमर आउट करके निकाला गया है। एक छोटे सी चीज़ को भी अगर आप ध्यान से पढ़ने चलेंगे तो आप काफ़ी सारी डिटेल्स अचीव कर सकते हैं। अभी ये दूसरी साइड का जो स्पार्क प्लग है उसको चेकआउट करिए, इसमें टिप ही नहीं है, मींस ये स्पार्क कर ही नहीं सकता, तो ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं। एंड अभी यहाँ पर एक क्विक टिप ये रहेगी कि सबसे पहले हम ये जो बोल्ट है इसको लूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हमें 6 मिलीमीटर की जो एलन की है उसको यूज़ करना पड़ेगा। बट बिकॉज़ ये रोटेट करता है और यहाँ पर रबर वाला जो हेड कवर का गैस्केट है वो लगा हुआ है, तो मैं एक फ्लैट हेड को इसका जो स्प्रोकेट है उसमें कुछ इस तरीके से लगा करके जो सिलेंडर हेड है उसको एज ए सपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ। बट इसका फेस डैमेज नहीं होगा बिकॉज़ जो सिलेंडर हेड का रबर गैस्केट है कवर का वो अभी लगा हुआ है, तो इसके ऊपर सारा फोर्स आ जाएगा और जो फेस है वो डैमेज नहीं होगा। तो इसको ऐसे होल्ड करके इसको लूज़ करना है, मैंने पहले कर लिया था, अभी जस्ट मैंने एज ए रेफरेंस आप लोगों को शोकेस किया है। एंड गाइस बिलीव इट और नॉट ये बोल्ट्स मैंने पहले लूज़ नहीं करे हैं, ये इतने ही लूज़ थे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है कंप्रेशन लॉस की एंड इंजन डैमेज की। हालांकि इंजन डैमेज से तो इतना लेना देना नहीं है इसका, बट कंप्रेशन लॉस फॉर श्योर हो सकता है इसकी वजह से। इसमें भी है ना बोन्ड, इतना क्या ऑब्सेशन है यार है ना बोन्ड से इन लोगों को। वही सेम एनाबोंड स्टोरी, इसका तो हैशटैग बनाना पड़ेगा, हैशटैग से नो टू एनाबोंड।
ऑलराइट, सो ये है इसका सिलेंडर एंड इसमें जो ये स्ट्रेट लाइंस आप देख रहे हैं ये बेसिकली स्क्रैचेस हैं जो कि नहीं होने चाहिए। ऑलराइट, सो ये इसका पिस्टन है एंड आई होप आप देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पर 0.5 लिखा हुआ है, विच मीन्स ये दो बार ओवरसाइज हो चुका है बिकॉज 0.25 पहली बार बोर होता है एंड 0.50 दूसरी बार। तो या तो इसको डायरेक्ट 0.5 पर करा गया है या फिर ये 0.25 एंड उसके बाद 0.50 हुआ है, सो वो तो बता नहीं सकते। बट जो पिस्टन है वो भी स्क्रैचेस से भरा हुआ है एंड इसकी भी कंडीशन वैसी ही है जैसी हमने एक्सपेक्ट करी थी। ऑलराइट, सो अब बारी आती है जो अपनी गियर शाफ्ट है उसको आज़ाद करने की, बिकॉज इसको यहाँ पर वेल्ड कर रखा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, अगर आपने नहीं देखा उसको तो आप देख सकते हैं। तो अभी इसको यहाँ से कट करना है बट जो ग्राइंडर है वो बेसिकली कंफर्टेबली यहाँ पर नहीं प्लेस हो पा रहा है बिकॉज नीचे से कट करना है एंड ये जो सेक्शन है जो शाफ्ट है उसका वो बीच में आ रहा है। तो अब बिकॉज ये शाफ्ट अपने काम में वैसे भी नहीं आने वाली है तो इसको पहले यहाँ से कट करेंगे एंड उसके बाद जो गियर शाफ्ट है उससे जो अपनी ये जो लीवर असेंबली है इसको कट करना पड़ेगा। वैसे अभी ये स्पोर्ट्स बाइक का गियर बन गया है। सो फाइनली इतनी कटिंग करने के बाद जाकर के ये इतना कट हो पाया है कि अभी ये निकल जाएगा एंड ये जो स्मोक आपको दिख रहा है ये बेसिकली कुछ गर्म हुआ हुआ मेटल टायर के ऊपर गिरा है उसकी वजह से, सो विल फिगर दैट आउट। तो अभी थोड़ा क्लीन अप कर लेता हूँ एंड फिर आगे की जो डिसअसेंबली है वो कंटिन्यू रखते हैं। एंड यहाँ पर एक टिप मैं अरेंजमेंट की देना चाहूँगा, वो ये कि एज यू कैन सी जो बड़े पार्ट्स हैं उनको मैंने एक कंटेनर में रखा है एंड देन उसके बाद जो छोटे पार्ट्स हैं उनको एक में एंड जो नट्स बोल्ट्स हैं वॉशर्स वगैरह हैं स्क्रूज वगैरह हैं उनको एक कंटेनर में रखा है। आप जो पार्ट्स हैं उनको ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं अगर आपका स्किल लेवल थोड़ा इम्प्रूव हो चुका है, आपको चीज़ें याद रह जाती हैं कि कौन सी कहाँ लगती है। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन सारी चीज़ों को अलग अलग भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आरएच कवर है उसके साथ आरएच कवर के बोल्ट्स रख दिए, जो सिलेंडर हेड का कवर है उसके साथ सिलेंडर हेड के बोल्ट्स रख दिए, उसका गैस्केट रख दिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो चीज़ आपको फिगर आउट करनी पड़ेगी। बट जो पॉइंट है वो ये है कि आपको ऑर्गेनाइज रहना है, जितना ऑर्गेनाइजेशन से आप चीज़ें रखेंगे उतना कम आपको हेडेक होगी, उतना कम आपको परेशान होना पड़ेगा चीज़ों को फिगर आउट करने के लिए। एंड क्लीनिंग करते टाइम भी ये तीन टाइप के कंटेनर्स अगर आप बना के रखते हैं देन बिकॉज इनको अलग टाइप से क्लीन करना पड़ता है, इनको अलग टाइप से एंड इनको अलग टाइप से, वो क्लीनिंग वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। नॉनदलेस अभी जो डिसमेंटलिंग है उसको कंटिन्यू करते हैं। ऑल राइट, सो इसकी जो क्रैंक है वो लिटरली सीज, इसको बोलते हैं सीज होना,
एक बार ये पहले भी रिपेयर हो चुकी है, यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए कट लगा रखा है विच आई कैन सी क्लियरली। एंड बजाज ने आई थिंक पुराने वाली प्लेटिना के कंपैरिजन में इस वाली प्लेटिना के इंजन में जो क्रैंकशाफ्ट है उसको हल्का किया है, उसका जो मटेरियल है वो हल्का किया है, बिकॉज जो कनेक्टिंग रोड है वो जो लास्ट प्लेटिना का इंजन हमने रीबिल्ड किया था ओल्ड मॉडल का, उसके मुकाबले काफ़ी हल्की दिख रही है। क्या कर सकते हैं, सारी कंपनियाँ ही कर रही हैं। ऑलराइट, सो ये है अपना लेफ्ट क्रैंक केस एंड आई होप आप लोग देख पा रहे होंगे। तो बेसिकली ऑयल में जो चमक रहा है वो मेटल शेविंग्स हैं, एंड जिस तरीके की इसमें मेटल शेविंग्स अपने को दिख रही हैं आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या ही हुआ होगा इसके साथ। ऑलराइट, सो ये है अपना प्लेटिना का इंजन। और वेट, अगली वाली जो वीडियो आएगी वो आएगी इंस्पेक्शन की, एंड उसको मिस मत करना, बिकॉज इस इंजन में अभी तक हमने जो देखा है उससे भी काफ़ी ऐसी चीज़ें मिली हैं मेरे को जो कि उससे भी ज़्यादा ख़राब है। मतलब इस इंजन पर लिटरली कई जगह एम सील तक लगा रखी है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो। एंड अब बात करें इस वीडियो की, तो इसमें हमने इस इंजन को डिसमेंटल किया इंस्पेक्ट करते हुए कि क्या हो सकता है क्या नहीं। दो रीजंस हैं सिर्फ इस इंजन के ऐसी कंडीशन में होने के, एंड आई थिंक दोनों ही हैं, किसी को जज नहीं करना चाहिए, बट इस कंडीशन के बेसिस पर मैं ये दोनों जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, एंड आई थिंक इन दोनों में ही मैं राइट हूँ। सो फर्स्ट, पहली है लैक ऑफ मेंटेनेंस। कस्टमर का जो काम है वो ऐसा है कि वो नहीं ध्यान रख सकते बाइक का, ना ही वो किलोमीटर्स काउंट कर सकते हैं, ना ही टाइम पर सर्विसिंग करा सकते हैं, उसका रिजल्ट है ये हालत होना। एंड पॉइंट नंबर दो ये है कि आप देख ही सकते हैं इसका काम कैसे हुआ है, इसमें जगह जगह पर एनाबोंड गैसकेट्स वेल्डिंग कर रखी है। एम सील दिखाऊंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब देखना। तो बात ये है कि इसका जो बोर हुआ है इसको 0.50 रीबोर कराया हुआ है मैंने जैसे बताया, तो आई थिंक वो काम अच्छे से उतना हुआ नहीं। लेथ मशीन शॉप से मिस्टेक हुई है या फिर इंस्टॉलेशन करते टाइम कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो बाइक ने जल्दी ऑयल बर्न करना स्टार्ट कर दिया। एंड कस्टमर बीइंग वो नई बाइक को ही नहीं देखते थे इतना, तो अब रीबोर होने के बाद में जब इसने ऑयल बर्न करना स्टार्ट किया तो उन्होंने नोटिस नहीं किया, एंड ये बिना इंजन ऑयल के इंजन है वो चल गया, उसकी वजह से अंदर की जो हालत है वो आप लोगों ने देखी है। सो अगेन, काम का तो मैं देख लूँगा, अच्छी क्वालिटी का काम तो मैं कर दूँगा, बट जो मेंटेनेंस साइड है वो तो अभी भी कस्टमर के हाथ में ही है, उसको तो अपन क्या ही कर सकते हैं। बट नंदलेस, इससे अपने को सीखने को यही मिलता है कि नंबर वन, काम अच्छी जगह से कराइए, नंबर टू, खुद को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपकी बाइक का, ऐसे जादू नहीं कर सकता काम करने वाला भी कि वो ज़िंदगी भर चलेगी, मेंटेनेंस इज़ ए मस्ट। सो दैट बींग सेड गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ देखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत इंटरटेनिंग भी रहा होगा। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ है या सारी चीज़ें हैं, देन प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, बिकॉज अभी वीडियोज़ हैं वो रेगुलरली आनी स्टार्ट हो गई हैं एज़ फार एज़ मेरे को जैसा लग रहा है, जिस तरीके से मैं शूट कर रहा हूँ, एडिटिंग हो रही है एंड ऑल दैट। सो फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।